नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। नल जल योजना बना लूट का जरिया, दो वर्ष बाद भी ग्रामीणों को पेयजल नहीं हुआ नसीब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में व्याप्त अनियमितता थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार पानी के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन धरातल पर यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला रोहतास जिले की करगहर प्रखंड के रुपैठा पंचायत में सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 4 में बरती गई अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का कहना था कि इस वार्ड में लगभग 2 साल पहले योजना का काम शुरू हुआ, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जल आपूर्ति शुरू नहीं होने से लोग पेयजल के लाभ से वंचित हैं। योजनाओं में प्रकलन की भी अनदेखी की गई है। जमीन से मात्र 1.5 फीट नीचे ही पाइप बिछाया गया है, जो कई जगहों पर टूट गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने नियम के खिलाफ बताया, साथ ही इसकी शिकायत अधिकारियों से करने की बात कही है। लोकल न्यूज 24 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पानी नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं मिल रहा है पानी। कितना दिन से ये टंकी लगा हुआ है? 2 साल हो गया, अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में मुखिया जी चाहे पदाधिकारी से आप लोग मिले थे कि पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई चीज नहीं कही। इसका कोई सुधी लेने भी नहीं आता है, निगरानी करने भी कोई नहीं आता है? कोई आता है, 2-4 दिन काम करता है, फिर चला जाता है खुद खाद कर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंत कुमार पासवान। कौन जगह है? चौहा है।